संगम नगरी प्रयागराज के यमुना किनारे बलुआ घाट पर स्थित इस्कॉन मंदिर में कृष्ण प्रिया राधा रानी की जयंती राधाष्टमी का त्योहार धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस्कॉन मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। सुबह से ही भक्तों के मंदिर पहुंचने का तांता लगा हुआ है। आज के दिन मंदिर में भारी भीड़ इसलिए है क्योंकि मंदिर में विशेष अभिषेक, महाआरती, भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। उत्सव की शुरुआत हरे कृष्ण कीर्तन से हुई और कथा में वक्ता राधा रानी की महिमा का गुणगान करेगी। कीर्तन के बाद आरती और राधा रानी का पुष्प अभिषेक किया जाएगा। मंदिर में उपस्थित भक्त बताते हैं कि राधा के बिना भगवान कृष्ण अधूरे माने जाते हैं। राधा अष्टमी का पर्व भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कुछ दिन बाद ही आता है। राधा अष्टमी के दिन किशोरी जी के साथ कृष्ण कन्हैया की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की उपासना करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य मिलता है। इसके साथ ही मनचाहा जीवन साथी का साथ भी मिलता है। इसीलिए तो आज राधा अष्टमी के दिन बच्चे, नौजवान, बूढ़े, हर उम्र के भक्ति इस्कॉन मंदिर में देखने को मिल रहे हैं। आगे बिकॉज अंदर बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है तो खुशी हो रही है। बहुत दूर से आई थी, अच्छा भी लगा, यहाँ पे अच्छी वाइब आ रही है, खुशी हुई बहुत आके। आज के दिन भक्ति उपवास भी करते हैं। आज राधा जी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराया जाएगा। इसके बाद उनका भव्य श्रृंगार किया जाएगा। राधा जी की सुंदर मूर्ति को विग्रह में स्थापित कर दिया जाएगा। आज के दिन मंदिरों में 27 पेड़ों की पत्तियों और 27 ही कुओं का जल इकट्ठा किया जाएगा। हरे कृष्ण, आज राधाष्टमी है। आज के दिन में राधा रानी का आविर्भाव हुए थे रावण में, जो भगवान कृष्ण के परम प्रेयसी थे, भगवान के अल्लादिनी शक्ति के रूप में भी जाना जाता है, जो भक्तों के तथा जीव को पसंद करते हैं भक्ति के द्वारा। तो आज परम उल्लास से इस्कॉन मंदिर में इनका आविर्भाव तिथि मनाया जा रहा है। इनका बहुत सुंदर श्रृंगार किया गया है, जो श्रृंगार के सामग्री वृंदावन से आए हैं और इसका कीमत लगभग 2.25 लाख रुपया कीमत है। तो भक्त लोग श्रद्धा के साथ आज भजन कीर्तन और राधा रानी के बारे में प्रवचन कर रहा है। इसी प्रकार प्रवचन के बाद भगवान के राधा कृष्ण का अभिषेक होगा। अभिषेक के बाद भक्त लोग उनको अभिषेक करेंगे और उसके पश्चात फिर आरती होगा। आरती के बाद फिर सभी भक्तों के लिए प्रसाद का वितरण का व्यवस्था रखा गया। हरे कृष्ण। क्योंकि ये भगवान के ही एक अवतार है जो कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण एक से दो के रूप में आए हैं, अपने लीला को दर्शाने के लिए दो रूप धारण किए हैं, जो कृष्ण एवं राधा है। तो और हमारे आचार्य लोग इसको भगवान के अल्लादिनी शक्ति बताया है। अल्लादिनी शक्ति अर्थात भगवान शक्तिमान है, राधा रानी जो है शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान में अभेद है, इसलिए भगवान के रूप में राधा रानी का आज पूजा किया जाता है।